आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के दो साल छत्तीसगढ़ी संस्कृति अस्मिता और स्वाभिमान का साल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीते दो सालों में जहां छत्तीसगढ़ की मातृभाषा के साथ तीज त्योहारों और खान पान को बढ़ावा मिला है, वहीं छत्तीसगढ़ियों में माटी के प्रति अस्मिता का भाव भी जगा। ये सब संभव हुआ है भूपेश सरकार के प्रयासों और नए बदलावों से। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ और इसके पीछे सरकार की क्या कुछ मंशा रही, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे हमारी खास पेशकश संस्कृति अस्मिता और स्वाभिमान बरिश महतारी के मान में। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कभी मुख्यमंत्री निवास में हरेली तो कभी तीजापुरा, कभी गोवर्धन पूजा तो कभी गौरी गोरा, कभी विधानसभा में छत्तीसगढ़ी तो कभी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ी। बात खान पान की हो या छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की, संस्कृति की बात हो या अस्मिता या फिर महतारी सम्मान की, बीते दो सालों में भूपेश सरकार की कोशिश यही रही है कि जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था उस उद्देश्य को पूरा किया जाए, छत्तीसगढ़ियों में गौरव की भावना जगाई जाए। यही वजह है कि जब भूपेश बघेल ने इस दिशा में पहल मुख्यमंत्री निवास से की तो उसका असर पूरे राज्य में देखने को मिला। राज्य भर में हरेली महोत्सव हुए, लोग गेड़ी चढ़ने को आतुर दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ी समेत राज्य की मातृभाषा में विधानसभा से लेकर कैबिनेट और मंत्रालय तक में गौरव के साथ चर्चा बातचीत होने लगी। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा मिला, जिला कार्यालयों मंत्रालयों में गढ़कलेवा खुला, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों में छुट्टियां दी गई, धूमधाम से आयोजन होने लगे। बीते दो सालों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता को लेकर सरकार ने काम किया है उसे यही कहा जा सकता है बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की एक खबर हम आपको बता रहे हैं और कुछ देर बाद इस खास मुद्दे पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी रायपुर से जुड़ेगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास में हरेली, तीजापुरा, गोवर्धन पूजा, घोरी गोरा, ये तमाम सारी परंपराओं का निर्वहन अब किया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ को बढ़ावा लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की को बढ़ावा नहीं मिला हो, लगातार छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा भी मिलता गया है, और यही कारण है कि आजकल पूरा छत्तीसगढ़ छत्तीसमय हो गया है और हर कोई, चाहे कैबिनेट की बैठक हुई हो या फिर विधानसभा में, बात अक्सर छत्तीसगढ़ी में ही देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति आजकल हर जगह छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, और इसके पीछे एक प्रमुख कारण है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो भरसक प्रयास किए गए छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के लिए वो वाकई में तारीफ काबिल है। और इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को भी बढ़ावा मिला है, और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ साथ जिला कार्यालयों मंत्रालयों में गढ़कलेवा खुला, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों में अब छुट्टियां भी दी जाने लगी हैं, धूमधाम के साथ जो छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन होता है, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो गेड़ी चढ़ने की परंपरा हो या फिर छत्तीसगढ़ में एक परंपरा होती है कोड़े की, बिना हिचक के निसंकोच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन परंपराओं में हिस्सा लेते हैं और उन परंपराओं का निर्वहन करते हैं, और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
सीएम हाउस में भी हरेली, तीजापुरा, गोरा गौरी जैसे आयोजन छत्तीसगढ़ी में लगातार होते रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन सब चीजों को लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बढ़ावा देते रहे। हालांकि एक घोषणा पत्र में चीजें शामिल भी थी कि उनकी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ी को प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा और अपने वचन पूरे करते हुए सूबे के मुखिया भूपेश बघेल लगातार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने महज 2 साल ही पूरे हुए हैं, लेकिन इन 2 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो कर दिखाया है वो अब तक शायद ही किसी सरकार ने किया हो। मातृभाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों, खान पान को भी लगातार बढ़ावा दिया गया और देश भर में एक वाक्य कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यानी कि जब जब छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है तो ये वाक्य अक्सर लोगों के जहन में उमड़ आता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और इस वाक्य को चरितार्थ किया है स्वयं वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो ये तमाम तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ी परंपरा का निर्वहन सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हालांकि एक मांग भी लगातार उठती रही है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको 8वीं सूची में भी शामिल किया जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे रायपुर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, मैं आपके पास आऊंगा। वैभव, जब जब छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है देश भर में तो एक वाक्य ध्यान में आता है और वो वाक्य है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चरितार्थ किया है इस वाक्य को छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में। जी धन्यवाद। और इसमें कोई बात नहीं है, दो राय नहीं है कि बीते 2 सालों में छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान जो है वो जगा है, छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ियों में गौरव की भावना जो है वो जागृत हुई है। और इस विषय को लेकर के आज जब चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपनी भाषा में बात करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा है उसमें बातचीत करनी चाहिए और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 2 सालों में सरकार ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता को जो है बढ़ाने जगाने का काम किया है वो किस तरीके से रहा है। तो जिन्हें चर्चा की शुरुआत करवो हमारे साथ जिन्हें संसदीय सचिव चंद्रदेव राय है जिन बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते, आपके बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ 2 और मेहमान अभी जुड़ने वाले है, चंद्रदेव राय जी, मीर अली मीर जिन कवि है, राज्य अलंकरण सम्मान से जिला सम्मानित करेगी 2019 में, और हमारे साथ जिन्हें ब्लॉगर, लेखक और गुरतुर गोट के संपादक संजीव तिवारी जी भी जुड़ी, तो उखर से भी चर्चा करबो। लेकिन चर्चा की शुरुआत करबो आपसे चंद्रदेव राय जी, पाछू 2 बच्छर में हम देखे हैं कि जिन 18 बच्छर में नहीं दिखत रही से, कोनो मुख्यमंत्री निवास में जिन्हें हरेली तिहार नहीं मनात रही से, तीजापुरा महोत्सव नहीं होत रही से, गोवर्धन पूजा के आयोजन नहीं होत रही से, मातर नहीं होत रही से, ये सब चीज जिन्हें मुख्यमंत्री निवास में होना का संदेश देना चाहते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वैभव भाई जी, सबसे पहले मैं आपला बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल में छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के लोगन मन के लिए और छत्तीसगढ़ में जो किए जाते ओकर बारे में इतका विस्तार से आपके चैनल बताते, ये मैं स्वराज चैनल ला धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस चैनल में हमारे जितका भी संगवारी छत्तीसगढ़ के मतारी दीदी बहनी मन जोन भी देखा थे सब ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। पहली बार वैभव भाई छत्तीसगढ़ में हमर छत्तीसगढ़िया किसान के बेटा छत्तीसगढ़ी माटी से हमर छत्तीसगढ़ के किसान बेटा यहाँ के मुख्यमंत्री बनीस, छत्तीसगढ़िया बेटा यहाँ के मुख्यमंत्री बनीस। तो एक कहावत है कि घर के सियान जिसने रहते उसने पूरा परिवार चलते। और आज हमर मुखिया छत्तीसगढ़ में 20 बरस बाद कोनो कह सकत हन कि हमर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगन मन के सरकार चला थे। एकर पहली कभू ऐसे नहीं लागी कि हमारे छत्तीसगढ़िया मन के छत्तीसगढ़ में राज चलत है। आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वो किसान हो जेमन के कर्जा लाखों रुपया कर्जा में दबे रही से, आज वो किसान जेकर समर्थन मूल्य 2500 रुपया में बिका थे, कर्जा माफी हो गए,
किसान मन एक खुशहाल है। हमार युवा महोत्सव होते, हमार आदिवासी महोत्सव होते, छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा, हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति कल्चर अस्मिता, हमार छत्तीसगढ़ के पहचान के लिए लगातार हमार मुख्यमंत्री कार्य करत है और एक देश और विदेश में भी छत्तीसगढ़ के पहचान ला बनाए के लिए लगातार संघर्ष करत है। आज एक समय रही से कि रायपुर में कोनो बाजार में चल देती और भाटा खरीदना है तो वो आदमी है सहृदय जींस भले पहने हैं लेकिन वो गोठियातीस कि कितना रुपया किलो बैगन का रेट है। आज हर एक आदमी कहा थे कि भाटा कै रुपया किलो लगाए हस, भाजी के कै रुपया किलो है। हर बाजार में, मार्केट में, सोसाइटी में, समाज में, सामाजिक कार्यक्रम में, हर जगह सतना हमार यहाँ विविध समाज के कार्यक्रम होते हैं, चाहे सतनाम समाज के हो या हमारे यादव समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, सबो समाज के लोगन मन भी खुशहाल महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़िया मन के राज चलत है। अभी राजू हमारे राजीव में भी हमार बड़ा आयोजन होना है, वो में भी ऐसे नहीं लगे कि आप विधानसभा में आप जाओ तो विधानसभा में भी काम काज छत्तीसगढ़ी में चलत है, मंत्रालय संचालन में भी हमारे काम काज छत्तीसगढ़ी में चलत है। सरकार के महत्वपूर्ण योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, हमारे कलेक्टर से लेकर हमारे आईएएस और सेक्रेटरी मन भी छत्तीसगढ़ी में हमारे गांव के लोगन मन से चर्चा परिचर्चा करते थे। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी करवा थे, गौ माता के तहत गौठान, गौ माता के सेवा जतन के लिए गौठान बनाए जाते, महिला समूह मन मन से हमारे विविध प्रकार के गोधन न्याय योजना के तहत जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद गांव के लोगन मन ला पहली बार। हाँ, संस्कृति और अस्मिता के एहसास कराए गए चंद्रदेव राय जी। हमारे साथ जिन्हें मीर अली मीर कवि है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बहुत करीब से देखते, छत्तीसगढ़ी भाषा पर जिन्हें लगातार काम करे थे, मीर साहब जिन्हें आपके बहुत स्वागत है। अगर मोर आवाज आप तक पहुंचत हुई तो मैं आपसे समझना चाहूँ कि बाकी में कहा पाछू दू बसर में ही ये जिन्हें बूता हुए है या राज बने की 20 साल में जिन्हें ये चीज आप देखते रहो कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति पर पाछू 2 साल में ज्यादा काम काज हुए है, आप भी का इसे मानते हो का वाकई में छत्तीसगढ़िया मन में जिन्हें अस्मिता के भाव जागना, स्वाभिमान के भाव जागना आप लोग दिखा थे? मैं तो कहता हूं हमारे जिन छत्तीसगढ़ है 44% वन क्षेत्र और 56% चातर राज्य है ना, और चारों कोती हम देखा था कि 2000 सन से लेके आज तक ऐसे कोनो बच्छर नहीं है जेमा हम अपन संस्कार और संस्कृति ला झाके के प्रयास नहीं करे हन। लेकिन ये 2 बच्छर में जब से माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में शपथ ग्रहण करीन, वो दिन से लेके आज के दिन तक हम सुरता करथन, तो जेन संस्कृति और संस्कार है, आप देखो हमार छत्तीसगढ़ है आदिवासी और किसान मन के मुख्य क्षेत्र है। आदिवासी मन अपन वनांचल के जेन उत्पादन है वनोपज के माध्यम से अपन जीविका के साधन के जुगाड़ करते हैं। अब ये सरकार जब देखिस कि कुपोषण के साथ साथ उनखर जेन वन क्षेत्र में जेन उपज रही तेल सही कीमत नहीं मिलत रही, आज देखो आप जतेक वनोपज है उखर बहुत अच्छा कीमत मिलत, तेंदुपत्ता के क्षेत्र में कतेक शोषण होते रही से आज देखो तेंदू पत्ता के रेट कहाँ ले कहाँ पहुंचे। तीज तिहार के बाद तो हमार विधायक गुरुजी करीन और ओखर साथ साथ में कहा था मुख्यमंत्री के निवास स्थान से न्योता आना के हरेली के तिहार है, तीजापोरा के तिहार है, न्योते के जन सिद्धांत ला हमार संस्कार और संस्कृति ला पुरखादारी ले चले आज तेन संस्कार ला आज के दिन में हमार सरकार पिछले 2 साल ले करे थे और महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिला मल्ला सशक्त करे थे। गांव गांव में हम जाके देखन पूरा छत्तीसगढ़ जाए के मौका मिलते, अभी कोरोना काल है कहीं के गांव जाए के मौका नहीं मिला थे, लेकिन जब भी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़िया मन के बीच जा करके हम संवाद करते तो आज अतिक हिम्मत हो गए कि कैसनों फुल पेंट सूट बूट वाला हो छत्तीसगढ़िया में जब बात करवे तो छत्तीसगढ़ियापन उखर झलक थे, ये परिवर्तन देखे बर मिले है। ये सरकार 2 साल में
गेणी मच मच के बतावा थे कि रचरच मच मच कैसे हमारे छत्तीसगढ़ ला आगे हो मल्ल बढ़ाना है करके, ये संस्कृति और संस्कार लेके चलने वाला सरकार ये 2 साल में खेती किसानी उद्योग धंधा वाले मन भी उद्योग धंधा वाले मन भी बड़ा बिल्कुल बिल्कुल अली सर आप विचार जी जी आप जिन बात ला जिन कहा था बिल्कुल बिल्कुल आप जिन बात ला कहा था अली सर आप चिंता भी जाहिर करते रहे। कुछ साल पहले आपके एक रचना जिन्हें बहुत चर्चित हुई नंदाजही कार्य, तो नंदाजही के माध्यम से जिन आप संदेशा पूरा राजभर में बगराए और पूछत रहे हो कि हमार का जिन्हें तीज तिहार है हमार खान पान है सब नंदाजही का, वो पाछू ये 2 बच्छर में जिन्हें देख के इसे लगा थे कि नहीं नंदावे तो नहीं बल्कि ये आउ काफी जिन्हें विस्तारित हो जाए आगू बढ़ जाइए। हाँ तो कविता आगे बढ़ाया ना मैं नहीं नंदावे की कहा था आजकल थोड़ा परिवर्तन भी आया है समय के साथ साथ कविता के माध्यम से है ना मैं कहता कि नहीं नदावे नहीं नदावे नहीं नदावे ना आही हरेली तिहार चंचन ले चिला रोटी आमा के अथान ले मऊ चटनी करौंदा नहीं नदावे ना। ऐसे जन हमर संस्कार और संस्कृति तीज और तिहार लेकर के रोटी पीठा से लेकर के जतका संस्कार के आज प्रदर्शन हो थे मेला लगा थे और मेला में छत्तीसगढ़िया पन जैन झलका थे। आजकल तो आप अपन देखो तो कतको महिला मन पूरा छत्तीसगढ़िया पन रुपया पहने फिर शुरू कर दे हैं बोला घर भर रुपया और साटी और करधन और मन फिर वापस आ गए हैं पहली लगावट ही ने हमारा पुराना फैशन वाला ध्यान कहा के लेकिन अब खत्म हुए है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अली सर मैं आपका ना आऊँ राम ऊपर घलो बात करबो लेकिन हमारे साथ जन है संजीव तिवारी जी जुड़े हुए हैं ब्लॉगर है इंटरनेट की दुनिया में एक बड़े नाम है संजीव तिवारी के छत्तीसगढ़ी ला बगराए में एक बहुत बड़का काम बहुत बड़े योगदान है और ये योगदान पर अभी उनला 28 नवम्बर के छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दिवस के दिन राजभाषा सम्मान से सम्मानित भी करेगी। संजीव तिवारी जी आपसे हम ये जानना और समझना चाहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ी में कहो गोट बात हुए तो एक हीन भावना दिखत रही से लोगन जिन्हें गोठियाए में लजावत रही से शरमात रही से अधिकारी मन करा जिन्हें बात करे में डरावत रही से लेकिन अब तो उल्टा हो गए अब अधिकारी मन खुदे जिन्हें छत्तीसगढ़ी सीखे के प्रयास करे थे मंच में जाके बोले के प्रयास करे थे ये हम जिन्हें राज्य उत्सव में घलोक देखे और कई तो कार्यक्रम में घलोक देखे ला मिले थे का समझत हो एकर का मायने है भाई। ये सब के पीछे जो कारण है वो ये है कि हमार मुखिया जो है हमार मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं छत्तीसगढ़िया है और छत्तीसगढ़ी में गोठिया थे मूल रूप से सहज रूप से उन छत्तीसगढ़ी में गोठिया थे ता जो पूरा अमला है पूरा राज्य है अपन सियान ला देखा थे कि हमार सियान है जब वो भाषा में गोठियावा थे तो हमें मल्ला गोठियाल पड़ी और एकर पहली के बात आप मीर भैया ला पूछत रहे हो एकर सुनावा के मेरा आवाज भैया हेलो हाँ पहली के वोट अपन करन ता एकर पहली और अभी में जो अंतर है वो ये वैभव भाई के अभी जो स्थिति है तो छत्तीसगढ़ ही ला ऐसे सियान हाँ बोला थे जो ला छत्तीसगढ़ ही बोलना जेकर पर सहज है यानी हमार मन के दाई भाखा ये है हम सहज रूप से छत्तीसगढ़ ही ला बोल सकथन और हिंदी बोले पर हम ला थोकन उद्यम करे लगते थोकन मेहनत करे लगते तब पहली जो स्थिति रही से जो सियान मर रही है उकर मन पर छत्तीसगढ़ ही बोले पर थोकन मेहनत लगाए उनला उद्यम लगाए तो मेहनत करके छत्तीसगढ़ ही बोलना यानी पता चला है कि ये मन हर रोज के छत्तीसगढ़ ही बोले या नो है छत्तीसगढ़ ही बोला थे यानी वो मैं थोड़ा सा बनावट नजर आवा है या वोकर पर विशेष प्रयास करके उन छत्तीसगढ़ ही बोला है। अभी के हमारे मुखिया तो खाली छत्तीसगढ़ प्योर निचर छत्तीसगढ़िया है ओला कोई उदूम करल नहीं लगा छत्तीसगढ़ ही बोले ला ये बात ला प्रशासन के अधिकारी तक हो देखा थे ये बात ला जनता तक को देखा थे सहज रूप से छत्तीसगढ़ ही निकलते यानी जी भर जो लहूट फेंकी थी ना
तो हम पहली हमारे मुखिया के छत्तीसगढ़ ही नहीं लौटा थो इसे मोला लाग थे हिंदी बार लौटाए बार मेहनत करे लगते छत्तीसगढ़ ही में जल्दी वो लौट थे तो ये जब देखा थे जनता है एला जब देखा थे साहब मन है तो निश्चित है कि ओकर पाछू पाछू चले के सब झी प्रयास करी। बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। चंद्रदेव राय जी जब सदन में जिन्हें छत्तीसगढ़ी में गोड़ बात होते हैं, हम देखें कि कई बार आपो जिन्हें सवाल जवाब छत्तीसगढ़ी में जिन्हें पूछता तो उमा भी जिन्हें सहज और सरल तरीका से जिन्हें अपन बात ला रख लेता। ऐसे कतको विधायक है जिन्हें छत्तीसगढ़ी में अपन सवाल जवाब करते। अधिकारी मन से जब आपन के संवाद होते या क्षेत्र में जाता हो या कहीं जाता हो, पहले एक हीन भावना रहती, अरे नहीं छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलना है, हिंदी में बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है, नहीं तो हम लोग गवैया देहाती कर कही दी। अब मुला लगते वो बात खत्म हुए हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप कहा था वैभव भाई। हमन मास्टर लड़का मल्ला पढ़ान तो हमन लगाए कि हमर लड़का हिंदी पढ़ी अंग्रेजी पढ़ी और छत्तीसगढ़ी तो जानते, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी जब बने के बाद हमर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बने के बाद लगीस कि हमर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ में रह के अगर छत्तीसगढ़ी नहीं बोलीस तो फिर यहाँ के वो मूल निवासी मूल व्यक्ति नहीं माने जाए। ये हमन ला अब अस्मिता हमर जगीस हमर छत्तीसगढ़िया लोगन मन ला स्वीकार हो। जैसे बिहार में जातन तो बिहारी मन अपन गुटुर गुटुर बातचीत करते, उड़ीसा में अपन बात करते, महाराष्ट्र में अपन बात करते, हमर छत्तीसगढ़ के लोगन मन जब हम दिल्ली चल देथन तो हमन ला सब बिलासपुरिया कह दे, कोई लाऊ आऊ कुछ कह दे, तो हमने अपन आप ला हीन भावना महसूस करन। लेकिन आज हमर मुखिया हमर सियान है जब ये बात ल जब जाहिर कर दिस कि छत्तीसगढ़िया मन के 20 बरस हो गए छत्तीसगढ़िया ये सम्मान के लिए लड़ा थे और आज छत्तीसगढ़ में ये देश और दुनिया देखा थे कि मुख्यमंत्री है कैसे अपन विधानसभा में और कैसे अपन सीएम निवास में मुख्यालय में मुख्यमंत्री मुख्यालय में मतारी मन के बहनी मन के तीजा मनवा थे, पोला मनवा थे, गोवर्धन पूजा हो थे और वहाँ विविध प्रकार के आयोजन होते और नेवता घलो जाते, तो एकर से छत्तीसगढ़िया मन ला बहुत अच्छा महसूस हुई से और अधिकारी मन भी सीखे के प्रयास कर थे। अभी नरवा गरवा वाला जो बात आते ओमे बहुत कन अधिकारी मन नहीं बोल पाए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, अब सब सीख गए, सब ला समझ में आ गए कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलना जरूरी है। और अभी मुख्यमंत्री जी या पिछले विधानसभा में और हमारे छत्तीसगढ़ी ला आठवीं अनुसूची में ला शामिल करे हैं, शासकीय संकल्प पारित करे हैं, तो एक से पूरा विश्वास केंद्र सरकार ला भेजे गए है, तो छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला भी हमार मतारी भाखा हमार मतारी भाखा ला सम्मान मिली, यहाँ के लोगन मन ला सम्मान मिली, मतारी बहनी मन ला सम्मान मिली, किसान नौजवान मन ला सम्मान मिली और मीडिया चैनल में भी अब बराबर छत्तीसगढ़ी वाला दिखा था, एकर से लोगन मन के ज्यादा प्रचार होते, एकर लिए मैं आप सब ला धन्यवाद देता हूँ। पहली छत्तीसगढ़िया मन व्यक्ति मन बिचारा मन पिछवाए रहे फोटो में भी नहीं आए, तो आप मन बराबर फोटो खींचा था कि ये छत्तीसगढ़िया आदमी है, हमर मुख्यमंत्री गेड़ी चढ़ा थे, भौरा चला थे, हमर पुंडी में डुबकी लगा थे, विविध आयोजन होते, तो ये कर यश कृति ला आप मन की भी बहुत भागीदारी है वैभव भाई। तो मैं तो छत्तीसगढ़ में हमर पत्रकार साथी मन ला यहाँ के लोक कला संस्कृति ला यहाँ के अस्मिता के लिए हमर मुख्यमंत्री हवा एकर लिए हमर ला अभिमान है और छत्तीसगढ़िया ये नाम से तो हमर मुख्यमंत्री जिला हमन गर्व से कह सकत हन, अब भूपेश है तो भरोसा है, तो आज छत्तीसगढ़ के लोगन मन 20 साल बाद ये विश्वास जगी से तो भूपेश के सरकार में किसान खुश है, मतारी खुश है, लड़का मन खुश है, नौजवान मन खुश है, युवा मन खुश है, आदिवासी मन खुश है, यहाँ के रहुया 2,80,00,000 लोगन मन खुश है, एकर लिए मैं मुख्यमंत्री जी ला साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी ला आप और आगे बढ़ाए की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रदेव राय जी, आप जिन बात ने कहा था ये सब चीज जिन्हें दिखते भी अली सर आप ले समझना चाहो कि जिन्हें राम के बात हुआ थे हमारा पूरा भूया जिन्हें राम मैं है पगमग में जिन्हें राम के जिन्हें बिल्कुल प्रतीक मिलते उखर चिन्ह मिलते निशानी मिलते, आप राम के ऊपर भी जिन्हें कुछ लाइन लिखे हो, हम चाहतन कि ये जब अस्मिता और स्वाभिमान के बात हुआ थे तो राम कैसे हमारे संस्कृति के हिस्सा रहे है, वो लाइन ला आप दोहराते हो कि रमई पाठ वाले जिन आपके जो दो लाइन है वो दो लाइन ला आपके सुनना चाहो, मोला लगा थे कि ओमा पूरा एक सार हवा छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल गंगा मैया ला गुप्त रूप से छत्तीसगढ़ आयल पड़ गए के पावन जल माटी चुपरे बर
खलबल खलबल आथे ना और रमई पाट में जाके देखो गंगा ऊहो अमाथे ना। ये पवरी छत्तीसगढ़ है। और मैं अभी चंद्रदेव राय जी ला सुनत रहे हूँ, पहली उन लोग मैं गुरु जी ये पाए कहे बड़ा सम्मानी व्यक्ति अपन क्षेत्र में विलेगढ़ क्षेत्र के सम्मानी विधायक है, संसदीय सचिव है, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, लेकिन सरलता आज भी वैसे अली भैया ऐसे लगता है कि घर ले निकल के स्कूल जावा था। ऐसे संस्कारिक आदमी जब छत्तीसगढ़ में हमला मिलते ना तो मैं कहता हूँ हम एक ऐसा देश हमारे भारत था कि पथरा में राम लिख दे तो उड़ जाए के पाहन ते वाहन बन जाही लिख देते श्री राम, बोलो राम राजा राम, राजा राम हो समझ देश में। कैसन ममता है बड़ भागी माता कौशल्या के धरती छत्तीसगढ़ों खर ममता देखो, जैन जमाना में माता कौशल्या छत्तीसगढ़ में जन्मे ऋषि तेन जमाना में छत्तीसगढ़ ही में गोठियात्री सोई, ये वो जमाना के छत्तीसगढ़ है। कैसन ममता है बड़ भागी जन्म लियो श्री राम, और मार्ग के कारज बन जाही लिख देते श्री राम। तो मार्ग के कारज बनैया हमार छत्तीसगढ़ सरकार माता कौशल्या के मंदिर के निर्माण में तन मन धन से लगे है, और जिन राम वन गमन पथ यात्रा है वो पत्र यात्रा में जहाँ जहाँ उनखर चिन्ह मिलते उनखर बारे में ओला डेवलप करे प्रयास हमारे सरकार कर रहे थे। वैभव भाई ये मैं एक बात बताता हूँ, मैं सन 62 में कवर्धा के आगे जब आवे ने दशरंगपुर रायपुर रोड में दशरंगपुर में राजा दशरथ तालाब है, वो राजा दशरथ तालाब में बीच में टापू है जहाँ पे श्रवण कुमार के ओंखर माँ अंधी अंधा ओंखर माता पिता के राजा दशरथ के मूर्ति है। हाँ। शिवरात्रि में 15 दिन के मेला लगते आज भी हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ भाई तो ऐसा संस्कारी छत्तीसगढ़ के आज के टाइम में हम लोग देखे मिलते हैं जी। एकदम एकदम सही आप कहा था, जिन्हें मुला लगा था कि हमारे बार ये जिन्हें आज के समय है कम पड़ गए, विषय आपका जिन्हें विस्तार से है जिन्हें जमा काफी लंबा बातचीत हो सका थे, चूंकि समय जिन्हें समाप्त होने वाला है तो मैं एक आखिरी टिप्पणी जिन्हें संजीव तिवारी जी से लेना चाहता हूँ। आप लोग कहा लगा थे कि अब भविष्य जिन्हें कौन दिशा में है, जिन्हें जब दू बछर में जिन्हें हम अस्मिता संस्कृति के भाव लाटका जागृत कर लेन तो आने वाले 3 बछर में आप कहा देखा था कहा हो सका थे छत्तीसगढ़ के नवा जिन गर्भो नवा छत्तीसगढ़ के नारा है वो कैसन रूप में हुई। हमला तो ये हिसाब से कला साहित्य और संस्कृति और भाषा के हिसाब से अगर हमन देखन तो बहुत मतलब सोना बिहान अवैया है इसे नजर आते का है। जब मुखिया है राजा है स्वयं अपन घर में प्रतीकात्मक रूप से छत्तीसगढ़ के अस्मिता ला प्रस्तुत करा थे ओला अपनामा थे वो भाषा ला अपनामा थे तो बिल्कुल भरोसा है कि वो बात ला देख के वो मन है तो एक चिटिकन प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करा थे। हमार जनता मन के दिल में मन में ये बात ला जगाए भर कि तुमन अपन अस्मिता ला जगाए रखाओ आगे मोर ऊपर भरोसा रखाओ कि तुम्हार भाषा साहित्य कला और संस्कृति है घलाओ छत्तीसगढ़ी कला साहित्य संस्कृति और भाषा आगे बढ़ी अगोरा थन बिल्कुल दाऊजी है रही तब बेहतर होगी ऐसे भरोसा है हमला और ये सोना बिहान आई गढ़ो नवा छत्तीसगढ़ की स्थिति भी आई नवा छत्तीसगढ़ तभी गढ़ा ही जब हमार कला साहित्य संस्कृति और भाषा के उत्थान होगी जनता के उत्थान जनता के आर्थिक एकदम संजीव तिवारी जी और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि अवैया 3 बछर में जिन्हें वो मान और सम्मान भी जिन्हें छत्तीसगढ़ ला मिली जेखर सपना हमारे पुरखा मन देखे रहे है ओला आगू बढ़ाए के काम तो मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे थे, लेकिन जिन बात चंद्रदेव राय जी यहाँ पे कहीस और जिन बात आप कहा था अली सर कहा थे कि छत्तीसगढ़ी जिन भाषा है भाषा कोनो भी संस्कृति के जिन्हें मूल आधार होते ओला जब आगू बढ़ाते तो निश्चित तौर पे ओकर साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ के संस्कृति और परंपरा आगू बढ़ी तो 8वीं अनुसूची में घलोक यही भूपेश सरकार के कार्यकाल में जिन्हें छत्तीसगढ़ी है शामिल हो जी ये उम्मीद कर सकत हन और छत्तीसगढ़ के जिन संस्कृति है अस्मिता है
उला स्नेह बढ़ाए के बूता घलोक जिन्हें ये सरकार है करत रही यही उम्मीद करत हन। आज के चर्चा ला हम जिन्हें यही में समाप्त करत हन। आप जुड़े हो एक धन्यवाद चंद्रदेव राय जी आपके धन्यवाद, संजीव तिवारी जी आपके धन्यवाद और धन्यवाद मीर सर आप बहुत धन्यवाद है। आप स्नेह लिखत रहो और जिन्हें आपके गीत जिन्हें जन जन के बीच में गुंजत रहे हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति अस्मिता के गंगा जिन्हें वो बुहावत रहे। तो आज के चर्चा में आज के आप सब जिन्हें मेहमान मन के सगा मन के पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रहब और इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।